जरा नीचे करो, नीचे करो जरा, देखो नीचे करो भाई, अरे नीचे करो भाई इसको जरा, जरा दूर रखो भाई। चलो पूछ लो भैया, नहीं ये तो लोकतंत्र के हमारे देश की पहचान है और उस पर सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। हम भी आए हैं वोट डालने के लिए, हमने अपने मनपसंद के ऐसे दो लोगों को वोट डाला है, अच्छा लगा। सर तो ईवीएम खराब थी, अभी एक घंटे तक मतदान रुका रहा, उसके बाद एक सुबह एक बजे प्रशासन के लोग कह रहे हैं प्रशासन लाइट नहीं है, नहीं अब लाइट नहीं है उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो प्रशासन की ही जिम्मेदारी है, वही कर सकती है। सर फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाया था कि पूर्वी की आड़ में फर्जी मतदान हो सकता है और इसकी जांच की जाए, यहाँ पे कहीं ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है, जो भी कुछ आ रही है उसको बिना जांच किए वोट डाला जाता है, इसके लिए जाँच जरूरी है, उनकी भी जाँच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं नहीं बुर्का पहन के आवाएँ, देखें घूंघट उठा, घूंघट जो है वो हटा करके आवाएँ ताकि वहाँ पहचान हो सके। कर्नाटक की अगर बात करें सर तो वहाँ पे क्या स्थिति नजर आई, हालांकि जो अभी एग्जिट पोल आया है उसमें कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है, बजरंग बली का आशीर्वाद क्या मिलने जा रहा है बीजेपी को वहाँ पे? अब देखिए क्या होता है, अभी तो यहाँ से कहना कुछ कठिन है। नहीं कहाँ से, बहुत लोगों ने बैन किया है, हर बार बैन की बात करते हैं लेकिन फिर भी स्वतंत्र हो करके बजरंग बली जी बाहर आते हैं, बजरंग बली को कौन कैद कर सकता है, उनके नाम पर संगठन चल रहा है तो चलता रहेगा। कल हनुमान चालीसा का पाठ किया गया आपके नेतृत्व में, जरा नीचे करो भाई, नीचे करो जरा, देखो नीचे करो भाई, अरे नीचे करो भाई इसको जरा, जरा दूर रखो भाई। चलो पूछ लो भैया, नहीं ये तो लोकतंत्र के हमारे देश की पहचान है और उस पर सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। हम भी आए हैं वोट डालने के लिए, हमने अपने मनपसंद के ऐसे दो लोगों को वोट डाला है, अच्छा लगा। सर तो ईवीएम खराब थी, अभी एक घंटे तक मतदान रुका रहा, उसके बाद एक सुबह एक बजे प्रशासन के लोग कह रहे हैं प्रशासन की लाइट नहीं है, नहीं अब लाइट नहीं है उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो प्रशासन की ही जिम्मेदारी है, वही कर सकती है। सर फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाया था कि पूर्वी की आड़ में फर्जी मतदान हो सकता है और इसकी जांच की जाए, यहाँ पे कहीं ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है, जो भी कुछ आ रही है उसको बिना जांच किए वोट डाला जाता है, इसके लिए जांच जरूरी है, उनकी भी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, उनका महंगाई आ रही है, उनकी जांच सही मायने में है और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।